चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द सेल हुज ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस 3.9 ओम द वोल्टेज अक्रॉस द सेल टर्मिनल विल बी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है और ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का सम होता है, ये निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू। 2 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 प्लस 0.1 इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है, दोनों को जोड़ोगे 2/4 आएगा, यानी 0.5 आएगा करंट की वैल्यू। इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, करंट की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर होता है, ठीक है, ये डिस्चार्जिंग का केस है। वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ई एम एफ की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू पुट करो 0.5, आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 0.05, सॉल्व करेंगे 1.95 आएगा वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 1.95 वोल्ट आया। ये ऑप्शन सी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।